कोका कोला एक अमेरिकी ड्रिंक जो कैपिटलिज्म से प्रभावित है। 20वीं शताब्दी के दौरान जैसे कि दुनिया भर में कैपिटलिज्म फैल रहा था, वैसे ही कोका कोला भी फैल रही थी, और इस तरीके से कि जहां एकमात्र स्थान बचा है वो उत्तर कोरिया है। लेकिन कोका कोला दूसरों की तुलना में कुछ स्थानों में आसानी से आ गया, और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कोका कोला को लगभग आधा सदी लग गया दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक भारत पर कब्जा करने के लिए। कोका कोला का भारत में प्रवेश अन्य कई बाजारों की तरह अवसरवाद के कारण हुआ। भारतीय 1947 में स्वतंत्र हो गया था, और 3 साल के भीतर कोका कोला ने नई दिल्ली में एक बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कर दी थी। अब भारत की पहली स्वतंत्र सरकार भारत को सोशलिज्म के रास्ते पे ले जाने के लिए दृढ़ थी, जो निश्चित रूप से समर्थन करना चाहती थी स्थानीय उद्योग का। दूसरे शब्दों में कोका कोला के पास भारत सरकार में कुछ ही सहानुभूति रखने वाले थे, लेकिन यह स्थिति भी कंपनी को रोक नहीं पाई। कोका कोला का विचार भारतीय संस्कृति में घुल मिल जाना था इससे पहले कि सरकार कुछ कर पाए, और वैसे भी शुरुआती वर्षों में स्वतंत्र भारत में विदेशी ड्रिंक से निपटने के बजाय और भी बहुत समस्या थी। इस प्रकार जब भारत पाकिस्तान के संघर्ष से उभर रहा था, तब कोका कोला एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने में व्यस्त था। कोका कोला के आने का समय सही था, कुछ साल बाद पेप्सी को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया था, जबकि कोका कोला विकास कर रहा था। हालांकि भारत में कोका कोला की सफलता इसके डूबने की वजह बन जाएगी। जैसे जैसे सरकारें लेफ्ट राजनीति की ओर झुकती जा रही थी, उसके बाद कोका कोला भारतीय राजनेताओं की नज़र में दुश्मन नंबर एक बन गई थी। उनका एक पसंदीदा आंकड़ा यह था कि भारत के केवल 10% गाँव में पीने का पानी उपलब्ध था, परंतु 90% में कोका कोला की पहुँच थी। एक संरक्षणवादी सरकार की नज़र में कोका कोला का पानी की तुलना में अधिक उपलब्ध होना यह बहुत बुरा संकेत था, लेकिन इस शक्तिशाली अमेरिकी कंपनी को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा। कोका कोला वास्तव में भारतीय समाज में घुल मिल गया था, और इसे हटाने के लिए बहुत गंभीर संकट उठाने पड़े थे। ऐसा संकट 1970 के दशक के मध्य में हुआ था, जब भारत वास्तव में क्रांति की कगार पर था। पाकिस्तान के साथ तीसरे युद्ध और इंदिरा गांधी द्वारा सरकार के तानाशाही के बाद समाजवादियों के खिलाफ नागरिक अशांति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राष्ट्रव्यापी हमले और राजनीतिक हत्याएं आदर्श बन रहे थे, और इससे निपटने के लिए गांधी ने 1975 और 1977 के बीच आपातकाल की स्थिति जारी की। भारतीय इतिहास के इस काले दौर ने हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। प्रेस पर नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण का कुल निलंबन था। इसने सरकार को कोका कोला को भारत से बाहर निकालने का एक बड़ा अवसर भी दिया। इन सभी के बीच सोशलिस्ट ने एक कानून बनाया जिसमें विदेशी कंपनी को भारत में किसी भी व्यवसाय का 40% से अधिक का मालिक होने से रोक दिया जाएगा। कोका कोला को प्रभावी रूप से अपनी ओनरशिप छोड़नी होगी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अपनी सीक्रेट रेसिपी को संपन्न करना होगा, और अमेरिका से लाने के बजाय उसे इंडिया में स्थानीय रूप से बनाना पड़ेगा। कोका कोला ने फिर 1977 में 50 से अधिक अन्य अमेरिकी कंपनियों के साथ भारत छोड़ दिया, और सिर्फ भारत को ही नहीं पर कोका कोला की स्प्राइट को भी नुकसान हुआ। लोकल कॉम्पिटिटर्स इस अवसर पर बहुत खुश थे, और अगले दशक में उन्होंने तेजी से विस्तार किया। हालांकि कोका कोला इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, और जब 1991 में सोशलिस्ट ने अपनी पकड़ खो दी तो कोका कोला वापस आ गया एक प्रतिशोध के साथ। कोका कोला ने 1993 में भारत में फिर वापसी की, और उसी वर्ष वह सबसे लोकप्रिय ड्रिंक बन गया। तब से कोका कोला का वर्चस्व केवल बढ़ता जा रहा है, और आज उसकी हिस्सेदारी 60% से अधिक हो गई है। इसके एकमात्र कॉम्पिटिटर के साथ पेप्सी, जिसकी हिस्सेदारी सिर्फ 35% है। इसलिए पॉलिटिकल विरोध के बावजूद भी कोका कोला ने भारत को जीत लिया है।